कप्तान सरफराज अहमद और असद शफीक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद दुबई से कराची पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लंबी इनिंग्स ना खेलने की वजह से टेस्ट में शिकस्त हुई। मजमूई तौर पर दौरा अच्छा रहा, न्यूजीलैंड ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बैटिंग में ज्यादा स्कोर करने की जरूरत थी, साउथ अफ्रीका का दौरा मुस्बत अंदाज में लेने की जरूरत है। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। ओवरऑल जो है टूर हमारा अच्छा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज में अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी और अपॉर्चुनिटी थी हमारे हाथ में, लेकिन हम उसको अच्छा फिनिश नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम हारे। लेकिन ये कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड को कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन इस सीरीज में ऐसी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने को मिली है। इंशाल्लाह कोई करेंगे जो गलतियाँ हुई हैं उसको ना दोहराएं। देखिए ऑब्वियसली जो है वो बैटिंग का आप कह सकते हैं कि बैटिंग में हमारे पास ऐसे मौके थे कि जहाँ पे हमें लंबे रन करने चाहिए थे, लंबी लीड लेनी चाहिए थी, तो वहाँ पे हमें लंबी लीड नहीं ले सके। पहले टेस्ट में भी हमारे पास मौका था, तीसरे टेस्ट में भी मौका था, तो ये वजह थी जिसकी वजह हमें ये टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, बात यह कि टीम की परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल मैं अपनी परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है और बेसिक ऐसी बातें मेरी भी करती है, लेकिन मेन जो अगर आपकी टीम जीतती है तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर टूर है टफ टूर है तो वहाँ कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएँ, और वहाँ जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा टीम की।